क्रिएटिविटी का तड़का में आप सभी का स्वागत है। वापस से हम आज दूसरी रेसिपी लाए हैं सूजी की, जो कि हमारी मॉम्स ने जायका का तड़का बाय विजय हल्दिया, जो कि हमारा फेसबुक का क्लोज ग्रुप है, वहां पे रिक्वेस्ट करी है। तो आज की रेसिपी बहुत ही शानदार है। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए श्वेता शेख के साथ और आप सूजी पिज्जा की रिक्वेस्ट करी है नीपा सावला गोहिल जी ने, बलविंदर कौर बक्का जी ने, राधिका वर्मा जी ने। ये तीनों मॉम्स ने हमसे हमारे क्लोज ग्रुप में पूछा था कि सूजी पिज्जा बनाना दिखाएं, तो आज वही रेसिपी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो श्वेता स्टार्ट करें। यस, सो द मेन इंग्रेडिएंट सूजी, सो वहां से शुरू करेंगे। मैं 3-4 बोल ऑफ सूजी लूंगी, या आप कोई भी सूजी यूज कर सकते हो। मैंने नॉर्मल सूजी ली है, इसमें ये मैंने फ्रेश कर्ड लिया है, सो ऑलमोस्ट 3 स्पून जितने में डालूंगी, फिर चेक करके डालेंगे अगर ज्यादा चाहिए तो। और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। ये सबसे पहले हम उसका सूजी का बेस बना रहे, पिज्जा बेस। पिज्जा सभी को खाना पसंद है, बट सबसे बड़ा कंसर्न जो होता है वो ये होता है कि जो बेस हम बाजार से लेके आते हैं वो मैदा का होता है या फिर वो अच्छा क्वालिटी का है या नहीं है। श्वेता हमें यहाँ पे सिखा रही है घर में ही आप बेस के संग कैसे पिज्जा बना सकते हैं। ये अभी भी ड्राई है तो मैं थोड़ा और 2 स्पून ऑफ कर्ड डाल दूंगी और थोड़ा हम पानी डालेंगे। थोड़ा सा और इसमें भी कंसिस्टेंसी का ध्यान, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। ये मीडियम कंसिस्टेंसी का, एकदम सॉफ्ट भी नहीं और एकदम हार्ड भी नहीं कंसिस्टेंसी। ये देखिए, और क्या होता है ना, सूजी को हम रख के वो पानी भी सोक कर लेता है ज्यादा। सो ये देखिए अभी तो ये कंसिस्टेंसी है, फिर हम देखते हैं। अभी इसको हम 20 मिनट्स इसको रेस्ट करने रखेंगे। हाँ, 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने रखेंगे। Yes. श्वेता ने ऑलरेडी एक बैच बना रखा है, इसको ढक के आप रख दीजिए 20 मिनट्स के लिए। अभी मैं यहाँ साइड पे रख दूंगी और मैंने यहाँ ऑलरेडी 20 मिनट्स रेस्ट किया हुआ एक बैटर रेडी रखा है। सो देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इसको भी देखो, जब 20 मिनट्स हो गया तो सूजी ने काफी पानी सोक कर लिया, तो थोड़ा सा ज्यादा, जस्ट लिटिल बिट पिंच ऑफ वाटर, दैट्स इट। श्वेता आप तो मॉम्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि पिज्जा को आप हेल्दी और टेस्टी और एक्साइटिंग कैसे बनाते हैं। दिस इज वेरी गुड, नो राइट? वेरी इजी टू मेक। आप इसको घर में फटाफट बना सकते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। इनफैक्ट इतना अच्छा टेस्ट आता है कि आपके बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि सूजी का पिज्जा है ये। अभी देखिए, जब हम बेस बनाने जाएंगे तभी उसमें इनो या बेकिंग सोडा डालेंगे, तो उसको हम पिंच ऑफ बेकिंग, जस्ट थोड़ा सा इनो डालेंगे, इतना सा चुटकी भर इनो, और उसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये इम्पोर्टेंट है, आप इनो या बेकिंग सोडा जो है तभी डालिए जब आप इसके बेस को सिकने के लिए रखने वाले हैं। अब इमीडिएटली हमें सिकने के लिए रखना Yes. होगा। अभी हम यहाँ ये देखिए कैसा फ्लफी हो गया है अपना बैटर, सी दिस। अब यहाँ मैंने पैन रखा है पिज्जा के लिए, गैस ऑन कर दिया है। यहाँ पहले हम थोड़ा सा पहले ऑयल लगाएंगे नीचे, सो उसको ऑयल को ब्रश कर देंगे। अब घंटों खड़े रहने की जरूरत नहीं है आपको बेस बनाने के लिए, बहुत आसानी से आप सूजी का पिज्जा बना सकते हैं। बहुत अच्छा स्नैक है, ब्रेकफास्ट हो सकता है वीकेंड्स पे, और बच्चों को तो ऐसे भी पिज्जा बहुत पसंद है। एनी टाइम बच्चों को क्या, बड़ों को भी आए, इवन आई लाइक इट वेरी मच। सीधे मैंने पूरा ऑयल यहाँ ग्रीस कर दिया है। अभी जो हमारे बैटर है यहाँ स्प्रेड करेंगे उसको हम, और हमें फ्लेम कौन सी रखनी है, एकदम स्लो फ्लेम, मैं आपको बता दूँ। अभी इसको एकदम ऐसे स्प्रेड कर देंगे, ये देखिए, और स्लो फ्लेम का ध्यान रखना है आपको। बस ऐसे जस्ट थोड़ा सा इवनली स्प्रेड कर देंगे, लाइक अ पिज्जा बेस जैसे हम बनाते हैं ऐसे एग्जैक्टली ऐसा बेस बन जाएगा। और अभी इसको एकदम स्लो फ्लेम पे रखेंगे और उसको हम कवर कर देंगे, तो उससे क्या होगा, स्लो फ्लेम से एकदम अच्छे से क्रिस्पी और अपना सूजी का जो बेस है ना बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो एटलीस्ट 10 मिनट्स तो रखना है और उसके बाद हम एक बार चेक करेंगे। तो अभी मैं ऐसे कवर करके उसको 10 मिनट्स के लिए स्लो गैस पे होने देंगे। ओके, अभी देखो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गए, हम ये निकालेंगे और आप ऊपर देख सको थोड़े 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 बबल्स आने शुरू हो गए।
एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग। नाउ अनदर थिंग, हमको ऊपर से थोड़ा सा यहाँ ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा, बिकॉज नाउ अगर उसको पलट के उसको नीचे के साइड को बेस को भी होना है, तो थोड़ा सा इसको ब्रश कर लेंगे। ये देखिए, हल्के हाथों से एकदम ब्रश करना। देखिए वाओ श्वेता, बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? और आप देख सकते हैं, देखो पूरा फूलने आ गया धीरे, और पूरा ऊपर की सूजी पक चुकी। अभी हम एकदम उसको स्लोली पलटेंगे पिज्जा को। देखिए अभी जैसे हमारी अभी नीचे की साइड को भी पिज्जा एक्चुअली ये टाइम एकदम स्लो गैस पे ही बनेगा, सो उसको स्लो गैस कर देंगे। अभी यहाँ होगी वो क्रिस्प बने, एकदम क्रिस्प होना चाहिए। फास्ट गैस करोगे तो जल जाएगा। हाँ हाँ। अभी हम इसको पिज्जा की सर फिलिंग करेंगे ऊपर से। ओके, और ये एकदम स्लो गैस पे होने देंगे। सबसे पहले हम पिज्जा सॉस या टोमेटो केचप, आपको जो भी पसंद है आप डाल सकते हो। अभी सबसे पहले मैं थोड़े यहां मिक्स हर्ब्स डालूंगी इसके ऊपर, थोड़ा रेड चिली फ्लेक्स अगर आप तीखा खाते हो तो, अदरवाइज यू कैन अवॉइड ऑल्सो। यहां मैंने शिमला मिर्च लिए, ऑल थ्री कलर, वो डालेंगे। और ये पिज्जा में आप कुछ भी टॉपिंग अपने पसंद के कोई भी टॉपिंग्स डाल सकते हो, जैसे पनीर हुआ, कॉर्न हुआ, बेबी कॉर्न, मशरूम, सो एनीथिंग, व्हाटएवर यू ऑल लाइक। हाँ, इसको हम पनीर पिज्जा भी बना सकते हैं, कितना अच्छा लगेगा बच्चों को, पनीर भी हो गया और सूजी का पिज्जा है श्वेता, दिस इज लाइक सच अ फैंटास्टिक रेसिपी। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सूजी का पिज्जा खा रहे हो एक्चुअली। हाँ, उसका एग्जैक्टली। फिर यहाँ मैंने अनियन डाइस किए हैं, वो मैं डाल रही हूँ। टॉपिंग्स इज ऑल योर चॉइस, आपको जो भी टॉपिंग, ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, बेबी कॉर्न, या फिर आपको पनीर डालना है, जो आपका मन है आप वो डाल सकते हैं। देखिए, और मैं थोड़ा और उसके ऊपर हर्ब्स डालूंगी इसके ऊपर अपने, या सो बहुत टेस्ट, वो वेजिटेबल्स पे भी पूरा अपना हर्ब्स जाएगा। और यहाँ मैंने लिए है पिज्जा चीज, आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो। ऑलरेडी मेरा मन करने लग गया है कि मैं इस पिज्जा को कब खा सकती हूँ, दिस इज लुकिंग सो फैंटास्टिक। जस्ट फ्यू मिनट्स यू हैव टू वेट, फ्यू मिनट्स वी हैव टू वेट, आप झटपट खा सकते हैं श्वेता, सच अ फैंटास्टिक रेसिपी इज, इवन बच्चे भी फैन हो जाएंगे इतनी। आपको सबसे बड़ी बात है, पता नहीं चलेगा कि सूजी का है, तो बच्चे अगर पूरा खाना भी चाहे तो भी नो प्रॉब्लम, राइट? हैट्स ऑफ टू श्वेता ऑल्सो फॉर शोइंग अस दिस अमेजिंग रेसिपी, सूजी का पिज्जा। ये देखिए सब अच्छे से चीज लगाएंगे। अभी हम इसको वापस 2 to 3 minutes के लिए ढक देंगे, जैसे हमारी चीज पूरी मेल्ट हो जाएगी और तब तक अपना नीचे से बेस भी होने लगेगा। सो आई विल, मैं वापस उसको कवर करती हूँ, और रिमेम्बर सब स्लो फ्लेम पे, पिज्जा पूरा स्लो फ्लेम पे बनेगा ताकि एकदम क्रिस्पी बने। यस, ओके। सो अब 2-3 minutes हो चुके हैं। यस, और वन यू कैन चेक, जैसे अपनी चीज भी मेल्ट हो चुकी है और नीचे का बेस भी एकदम क्रिस्पी, तो अभी हम, मैं गैस बंद कर रही हूँ। कांट वेट टू ट्राई दिस। अभी हम अपना पिज्जा निकालेंगे, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड वीडियोस लेके आते हैं। गारंटी सूजी पिज्जा इतना ही टेस्टी आपकी किचन में भी बनेगा। ये रेसिपी बना के अब पिज्जा हो गया हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। बच्चों को जितना मन है उतना उनको खाने दीजिए। इट्स लुकिंग अमेजिंग श्वेता, आई जस्ट हैव टू रिमूव, इसको ध्यान से रिमूव करिएगा। कांट वेट टू ट्राई दिस, अमेजिंग इट इज लुकिंग, मजा आ गया देख के। क्रिएटिविटी का तड़का में श्वेता की सेकेंड रेसिपी है, अब हम इसको कट करके दिखाएंगे। देखिए, इट्स लोडेड विद चीज, सुपर ऑसम पिज्जा क्रिएटिविटी का तड़का में, ये शानदार रेसिपी हम लाए। वाह, पूरी चीज मेल्ट हो रही मेल्ट हो गई है और बहुत ही शानदार लग रही है। अगर आपको भी ऐसी रेसिपी सीखनी है या आप जानना चाहते हैं और चाहते हैं जायका का तड़का पे उसका हम वीडियो करें, तो हमारा फेसबुक ग्रुप, क्लोज्ड ग्रुप जायका का तड़का भाई विजय हल्दिया ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहां पे ऑलरेडी 2 lakh से ज्यादा मेंबर्स मॉम्स हमारे संग एसोसिएटेड हैं। आपका पिज्जा रेडी, वाओ, सो क्या शानदार रेसिपी दिखाई है आज श्वेता ने क्रिएटिविटी का तड़का में। थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू, वेट टू ट्राई दिस अमेजिंग रेसिपी। थैंक यू टू नीपा जी, बलविंदर जी एंड राधिका जी, जिन्होंने हमसे ये रेसिपी रिक्वेस्ट करी, और हम आज लेके आए सूजी पिज्जा। अब पिज्जा खाइए जितना मन चाहे, आपका मन करे या आपके बच्चों का मन करे, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और हमारा फेसबुक क्लोज ग्रुप जायका का तड़का भाई विजय हल्दिया ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे दोबारा विद द थर्ड रेसिपी यूजिंग सूजी ऑन क्रिएटिविटी का तड़का बाद में। बाय बाय एवरीवन।